हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएससी जीडी न्यू वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन एसएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है और साथ ही ऑनलाइन फॉर्म भी आज से 17 जुलाई से आपके शुरू हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां पर नोटिफिकेशन आते ही खड़ा हुआ है टोटल वैकेंसीज के ऊपर। काफी सारे विद्यार्थी परेशान हो गए हैं क्योंकि नोटिफिकेशन में वैकेंसी सिर्फ 25,000 दिखाई गई है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। तो दोस्तों, यहां पर सीआरपीएफ की वैकेंसी इसके अंदर 0 दिखाई गई है, इसका क्या कारण है? क्या सीआरपीएफ की अलग से भर्ती की जाएगी या फिर आपकी वैकेंसी बढ़ने वाली है? बड़ी जानकारी आपको वीडियो में देने वाला हूं, अंत तक जरूर से देख लेना। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर आप घर बैठे एसएससीडी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमें अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर लीजिए। डेली आपके लिए फ्री लाइव क्लासेस चलती हैं। हमारी अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में सभी क्लासेज आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पर आप देखिए, बात की जाए वैकेंसीज की, तो दोस्तों अब आप इसमें तीन बातों के ऊपर गौर कीजिए। पहली बात दोस्तों, सीआरपीएफ की वैकेंसी 0 होना, यह बात तो असंभव है। ठीक है, पहले भी कई मीडिया रिपोर्ट्स में बात सामने आई थी कि सीआरपीएफ में लगभग 15,000 से 17,000 वैकेंसीज खाली हैं। ठीक है, और यहां पर वैकेंसी सीआरपीएफ की 0 है, तो ऐसा क्यों है? अब दोस्तों यहां पर देखिए, इस नोटिफिकेशन को बनाते समय यानी नोटिफिकेशन जारी करते समय हो सकता है एसएससी कोई डाटा ना दिया गया हो कि सीआरपीएफ में कितनी वैकेंसी है, और अभी ये टोटल जो वैकेंसी है वो कैलकुलेट ना हो पाई हो, शायद इसलिए यहां पर वैकेंसी नहीं दिखाई गई। लेकिन दोस्तों एक बात कंफर्म है, जल्द ही यहां पर आपकी सीआरपीएफ की वैकेंसी भी में ऐड कर दी जाएंगी, यानी आपकी ये वैकेंसी है ये 25,000 से बढ़ने वाली है, मैं गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, कोई चांस नहीं है 25,000 वैकेंसी रहने का, गारंटी है यहां पर आपकी वैकेंसी बढ़ने वाली है। और यहां पर सीधा ही सीआरपीएफ की इसमें 15-17,000 वैकेंसी जुड़ जाएंगी। इसके अलावा जो बीएसएफ है, बीएसएफ में भी इससे ज्यादा वैकेंसी खाली है, यहां पर सिर्फ 7500 दिखाई गई है लेकिन वैकेंसी इससे ज्यादा है, तो ये वैकेंसी भी बाद में बढ़ने वाली है। ठीक है, और एनआईए की भी यहां पर 10 वैकेंसी शायद जुड़ ही जाएंगी। तो दोस्तों टोटल जो वैकेंसी अब आपकी 25,000 है, ये जल्द ही बढ़कर 40,000 से 50,000 तक पहुंच जाएंगी। फाइनल सिलेक्शन आपका 40 या 50,000 से कम पदों पर नहीं होगा, ये बात तय है। कई विद्यार्थी कह रहे थे कि क्या सीआरपीएफ की अलग से भर्ती होगी, तो दोस्तों बिल्कुल नहीं, सीआरपीएफ की अलग से कोई भर्ती नहीं होने वाली है। हां, सीआरपीएफ की वैकेंसी इसके अंदर जल्द ही एड कर दी जाएंगी, और सबसे ज्यादा वैकेंसी सीआरपीएफ की होती है। पिछली भर्ती में आप देख लीजिए, मैं दिखा रहा हूं, 55,000 वैकेंसी स्टार्टिंग में आई थी, इनमें से 22,000 सीआरपीएफ की थी, यानी लगभग 40%। तो इसी प्रकार से इस बार की वैकेंसी में भी 15-20,000 पदों सीआरपीएफ के होंगे और वो जल्द ही इसके अंदर ऐड कर दिए जाएंगे। शायद अभी वैकेंसी कैलकुलेट नहीं होंगी और जल्दबाजी थी नोटिफिकेशन जारी करने की, इसलिए वैकेंसी इसके अंदर नहीं दर्शाई गई है। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा वेट कर लीजिए, आप अपनी तैयारी कीजिए एग्जाम की, जल्दी वैकेंसी आपकी बढ़ जाएंगी, 40-50,000 आराम से जाने वाली है और उससे ज्यादा भी जा सकती है अगर बीएसएफ और सीआईएसएफ इनकी वैकेंसी और बढ़ जाए तो। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बताएं, उम्मीद करता हूं वैकेंसी से जुड़ा अब आपके में कोई डाउट नहीं होगा। मैं मानता हूं काफी ज्यादा परेशान आप कल से हुए हैं कि इतनी कम वैकेंसी क्यों आई, लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, जल्दी वैकेंसी बढ़ जाएगी। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।